नमस्कार। प्रस्तुत है क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2023 के गणित के प्रश्न पत्र के ये पार्ट 5 वीडियो। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो भी प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल किया गया है। अब इस सीरीज की ये अंतिम वीडियो है और इसमें मैं प्रश्न संख्या 41 से लेके प्रश्न संख्या 50 तक के प्रश्नों को हल कर रहा हूं। एक बार मैं बता दूं कि अगर आप वर्ग 8 के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि अनेक प्रश्न रिपीट करते हैं। इसलिए आगे जितने भी आपकी परीक्षाएं होंगी बोर्ड की, वो 2024 में हो, 2025 में हो, जब भी हो, तो आप याद रखें कि बहुत सारे प्रश्न रिपीट भी हो सकते हैं। इसलिए आप ध्यान पूर्वक इन सारे वीडियोस को, जो प्रीवियस ईयर्स के हैं या जो मॉडल प्रश्न पत्र हैं, उनका अध्ययन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 41। एक थैले में 4 नीली 2 हरी एवं 5 काली गेंदे हैं। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है। एक नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो प्रायिकता अर्थात नीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता, तो कुल नीली गेंद कितनी है उसे ऊपर लिखेंगे। ये नीली गेंद है 4, ये घटना हो गई। अब परिणाम अर्थात कितनी कुल गेंदे हैं उस थैले में, तो 4 और 2 6 और 5 11, तो इसे हम हर में रखते हैं, है ना। ये हो गई घटना और ये हो गया परिणाम। तो प्रायिकता बराबर हो गया ये 4/11, ये ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 42। एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होगा। तो ये पासा तो आप हमेशा देखते हैं जो लूडो खेलते हैं, और वो जो इसको इंग्लिश में डाइस भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। तो लूडो खेलने के क्रम में जिससे आप फेंकते हैं जो, वो पासा कहलाता है। उस पासे में आप देखेंगे कि कितनी संख्याएं होती है। उसके उसके 6 फलक होते हैं, वो घनाकार होता है, घन जैसा होता है, और 6 फलक होते हैं, और हर फलक में इस तरह से होता है 1 2 3 4 5 6, यानी एक फलक में एक रहता है, दूसरे में दो, इस तरह से रहता है। तो कुल कितने परिणाम होते हैं अगर हम उस पासे को फेंकते हैं, तो कुल क्या क्या आ सकता है ना, तो उसे परिणाम कहेंगे। तो अगर हम पासा को फेंकेंगे तो कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, 4 5 6, इन्हीं में से आएगा। 7 तो नहीं आएगा या 8 तो नहीं आएगा। तो कुल परिणाम कितने हो गए यहां? 6 हो गए। अब ये क्वेश्चन नंबर 43। दिए गए चित्र में x का मान बताएं। यदि वृत्त को बराबर भागों में बांटा गया है, तो बराबर कितने भागों में बांटा गया है उसे गिनिए। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 बराबर भागों में बांटा गया है। तो ये एक भाग का जो एक त्रिज्यखंड है, इसे त्रिज्यखंड कहेंगे, एक त्रिज्यखंड का हमें कोण का मान बताना है। तो ये जो कुल केंद्रीय कोण होंगे, अगर ये हम ऐसे करें, ये कुल केंद्रीय कोण इसे कहेंगे, तो ये होता है 360 डिग्री। और कितने भागों में बांटा जा रहा है? 6 भागों में। तो हमारा एक एक भाग का, एक एक त्रिज्यखंड का जो कोण होगा,
वो कितना होगा, 60 डिग्री, है ना। तो ये एक्स कितना है, 60 डिग्री। प्रश्न संख्या 44, ये ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न है। बिंदु P 5 और 4 का एक्स निर्देशांक यानी भुज है। तो देखिए आप, यहां जो हम लोग बिंदुओं को लिखते हैं ग्राफ में, तो उसका ये तरीका होता है। इसमें जो पहला होता है वो होता है एक्स निर्देशांक, या एक्स कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, एक्स निर्देशांक। और इसका एक और नाम है भुज। और जो दूसरा होता है ये होता है वाई निर्देशांक। तो यहां स्पष्ट दिख रहा है एक्स निर्देशांक क्या है, ये 5 है। अब प्रश्न संख्या 45 देखिए, यहां भी ठीक इसी तरह का क्वेश्चन है। बिंदु D का वाई निर्देशांक है, तो अभी हमने बताया था कि पहला वाला एक्स निर्देशांक होता है और ये दूसरा वाला वाई निर्देशांक होता है। तो यहां वाई निर्देशांक कितना है, -4 है। प्रश्न संख्या 46, निर्देशांक -5 -4 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे। तो यह भी ग्राफ से ही प्रश्न है। तो देखिए थोड़ा सा ग्राफ को हम बनाते हैं। यहां ये एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष, और ये वाला है वाई अक्ष। तो यहां पर जो होगा सारा एक्स अक्ष में पॉजिटिव होगा, 1 2 इस तरह से होगा, और इधर होगा -1 -2। ये वाई वाला में ऊपर साइड में ये हो जाएगा 1 2 3 इसी तरह से होगा, और यहां नीचे होगा -1 -2 इस तरह से। तो ये वाला इस जो होता है इसे कहते हैं प्रथम प्रथम चतुर्थांश, है ना। इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और ये होता है तृतीय, और ये होता है चतुर्थ। तो आप देखें कि जो प्रथम चतुर्थांश होगा उसमें एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, यानी एक्स निर्देशांक भी पॉजिटिव होगा, वाई निर्देशांक भी पॉजिटिव होगा। तो एक उदाहरण मैं यहां दे देता हूं। यहां ये 3 ले रहे हैं और ये यहां पर ये वाला बिंदु ले रहे हैं, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, 3 2, ठीक है। अब द्वितीय में क्या होगा कि एक्स जो होगा, एक्स निर्देशांक वो निगेटिव होगा, तो यहां पर ये ले रहे हैं -2, और ये वाला है ना, ये बिंदु इसका ये कटान बिंदु है ना, इसे यही बिंदु कहलाता है। इधर से ये लेंगे और इधर से ये, तो निर्देशांक हो जाएगा तो -2 और 2। तो यहां हम देख रहे हैं कि एक्स निर्देशांक जो है वो निगेटिव है और जो वाई निर्देशांक है वो पॉजिटिव है। अब यहां तृतीय में देखें तो यहां क्या होगा, दोनों ही निगेटिव होगा, एक्स भी और वाई भी। और चतुर्थ में क्या होगा कि एक्स तो पॉजिटिव होगा लेकिन वाई निगेटिव होगा। तो यहां क्या देख रहे हैं, दोनों ही निगेटिव है, तो ये किसमें हो सकता है बताइए, ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, तो ये किसमें आएगा। यहां पर देख लीजिए दोनों निगेटिव किसमें है, तृतीय चतुर्थांश में है। तो हमारा आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 3, तृतीय। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो देखिए मूल बिंदु जो है, अब इसी जो मैंने ग्राफ बनाया है इसी में देखिए, ये मूल बिंदु है। तो यहां इसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स में भी 0 होगा और वाई में भी 0 होगा, वाई निर्देशांक भी 0 होगा। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर 0 कॉमा 0।
तो ये हमारा मूल निर्देशांक है। तो यहां देखिए कौन सा है ये, पहला नंबर, अड़तालीस नंबर, ये संख्याओं के साथ खेलना चैप्टर से है। तो इसमें सिर्फ हम लोग बैठा के देख लेते हैं, ए टू, यहां थ्री बी, और जोड़ के आ रहा है 129। तो ए और बी का मान क्या होगा? तो देखिए दो में हम कितना जोड़ेंगे कि नौ आ जाए, सात जोड़ेंगे, है ना। ये बी की जगह क्या हो जाएगा, सात हो जाएगा। और इसके बाद तीन में कितना जोड़ेंगे कि 12 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। तो ए का मान हमें क्या मिला, 9, और बी का मान 7। ये दूसरा नंबर हमारा आंसर है। प्रश्न संख्या 49, बेलन का वक्रीय सॉरी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा। तो आप देखें, ये मैं बेलन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वक्रीय ये बेलन है, और ये जो है ये वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल है, और ये ऊपर और नीचे तो वृत्त है, ठीक है। आप एक पेज लें, एक पेज लेकर आप अगर उससे गोल इस तरह से मोड़ेंगे तो आपका बेलन बन जाएगा। मैं यहां पर बता रहा हूं, देखिए ये एक आपके कॉपी का पेज है, ठीक है ना। अगर आप इसे गोलाई में इस तरह से मोड़ेंगे तो ये इस तरह से शेप, इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो वही क्षेत्रफल होगा जो इस पेज का क्षेत्रफल है, और इसमें ये है क्या है, ये है चौड़ाई है और ये है लंबाई, यानी लंबाई गुने चौड़ाई होगा क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसको, ये जो चौड़ाई है इसी को मोड़कर तो ये वृत्त बन गया है, इसी से वृत्त बन गया है, ठीक है ना। तो वृत्त का ये क्या है, परिधि है, यानी ये क्या है, ये चौड़ाई क्या है, परिधि 2π r। वृत्त का परिधि आप जानते हैं 2π r। और ये क्या है, ये h है, ऊंचाई, जिसे हम यहां पर लंबाई कह रहे हैं। तो हमारा क्षेत्रफल इसका क्या है, बी इंटू एल, है ना, चौड़ाई गुने ये लंबाई। तो चौड़ाई यहां क्या है, इसमें ये 2π r, और ये लंबाई वास्तव में है क्या, ये इस बेलन का ऊंचाई है, यानी h। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2π r h। अब अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50, शंक्वाकार आकृति का उदाहरण है। शंक्वाकार यानी शंकु, शंकु जैसा क्या होता है। देखिए ईंट तो घनाभ की तरह होता है, ईंट तो इस तरह से होता है ना, ईंट इस तरह से आपका होगा, ये ईंट होता है इस तरह से। पुस्तक का पृष्ठ तो आयताकार होता है, ऐसा होता है पुस्तक का पृष्ठ आयताकार। मोबाइल सेट कैसा होता है, ये भी घनाभ की तरह होता है, ये सॉरी ईंट जो है ना घनाभ की तरह होता है, ठीक है। ये भी घनाभ की तरह होता है, मोबाइल सेट भी देखिए। जोकर का टोपी कैसा होता है, ये होता है जोकर का टोपी। तो ये जो आकार है इसी को बोलते हैं शंक्वाकार आकृति, है ना, कोनिकल शेप। तो ये हमारा आंसर हुआ। धन्यवाद।